सऊदी अरेबिया ने इंडिया को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। स्पेशली इमिग्रेशन ऑफिस ने ट्वीट किया, कोई भी इंडियन अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया आना चाहेगा, तो उसे पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। पीसीसी बेसिकली पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहलाया जाता है, जो कि शो करता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। ये बहुत ही बड़ी खबर है इंडिया के लिए। क्या सऊदी अरेबिया को इतना ट्रस्ट है इंडियंस पर, उनको पीसीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप ये देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने का चांस जो कभी 4-5% था से 6-7 महीने पहले, वो आज 75-80% हो गया है। ये कहां से आएगा 34 से 35 अरब डॉलर जो आपने किस्त देनी है? कोई भी इंडियन विदाउट इस सर्टिफिकेट के सऊदी अरेबिया के अंदर एंटर कर सकता है? आप उसके अंदर से आप बिल्कुल एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट है, आप बड़ी तेजी से जा रहे हो। क्या सऊदी को इतना ट्रस्ट है इंडिया पर कि दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग टेररिज्म, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म, दे आर द ऑनेस्ट पीपल, कि उनको ये प्रिविलेज दी गई है और पाकिस्तान के लिए प्रिविलेज नहीं है? पाकिस्तान का लड़का डेरा गाजी खान में रहने वाला लड़का, उसने अपना पासपोर्ट जाते साथ ही फेंक कर वहाँ पर चोरियां डिकेतियां कर रहा है, एक शेख उसको मिलता है। लेकिन आप देखें कि आज जो है आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजीद गिर गए हैं। शेख कहता है कि तुम अपने मुल्क का नाम बदनाम क्यों कर रहे हो, यहाँ पर आकर चोरियां डिकेतियां क्यों कर रहे हो? 80% चांसेस हैं। इंडिया के लिए इतना बड़ा रिलीफ क्यों, हमारे लिए इतनी स्ट्रिक्टनेस की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। और खबर ये है कि कोई भी इंडियन अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया आना चाहेगा, तो उसे पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। पीसीसी बेसिकली पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहलाया जाता है, जो कि शो करता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। ये बहुत ही बड़ी खबर है इंडिया के लिए। क्या सऊदी अरेबिया को इतना ट्रस्ट है इंडियंस पर कि वो किसी भी क्रिमिनल एक्ट में शामिल नहीं होंगे, टेररिज्म में मुलविस नहीं होंगे? क्या इतना ट्रस्ट करता है सऊदी अरेबिया इंडिया पर? और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। मुस्लिम कंट्रीज में दुबई में रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, 5,000 दिरहम मुक्तिस किए गए पाकिस्तान के लिए। तुर्की में गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड लगा। इन्हीं कंट्रीज में इंडिया को बहुत जोर से प्रेफर किया जा रहा है, प्रिविलेजेस दी जा रही है। इनके पीछे की क्या वजूहत? अब सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि इंडिया के साथ उनकी ट्रेड है, इंडिया के साथ उनका बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आपको क्या लगता है पीसीसी की अब जरूरत नहीं है सऊदीया जाने के लिए? मुस्लिम कंट्री है हमारी, इंडिया पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है? कहीं पर इंडियंस के लिए गेट आउट इंडियंस का ट्रेंड नहीं लगा गया, इसीलिए ये बात है कि उन पर ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है? देखिए, ये तो जब हम बात करते हैं उनकी, आप जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं, क्या सऊदी अरेबिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें अगर, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे वो मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनसे पहले उनको पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक हमेशा उनका एक फ्रेंड जो है वो कंट्री में। आपको पता है कि यूएई ने भी पाकिस्तान पर 5,000 दिरहम की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जब तक हमारे पास 5,000 दिरहम नहीं होंगे हम लोग दुबई में एंटर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पेशावर से दुबई जा रही थी फ्लाइट, उसमें एक पाकिस्तानी ने बहुत गलत तरीके से वहां पर उसका रवैया था, कभी शीशे तोड़ रहा था, कभी किसी की गोद में लेट रहा था, जिसके बाद से यूएई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, सऊदी अरेबिया ने भी हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या वजूहत है, और इंडियंस के साथ इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं ये लोग, क्या वजह? देखिए, कोई भी अगर हम पर्सनली बात करें, हमें जहाँ पे कोई अपना मफाद नजर आता है, कोई हमारा अपना दोस्त भी है, मुझसे भी अपने मुश्किल वक्त में